हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल निहाल स्पेशल। सो गाइस, आज की वीडियो में मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपना बैंगवुड शॉपिंग हॉल। सो गाइस, बैंगवुड पे आपको काफ़ी कम प्राइस में, लाइक काफ़ी चीप प्राइस में प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे। सो यहाँ पे मैंने कुछ चीज़ें मंगाई और अभी आपको नज़र आ रही है मेरी बेडशीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस, यहाँ पर मैं जो भी आप सबके साथ शेयर करूँगी, अगर आपको पसंद आता है तो हर चीज़ की इन्फॉर्मेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। और गाइस, एक बात और मैं आपको बता दूँ, बैंगवुड पे आपको मेकअप प्रोडक्ट्स काफ़ी अच्छे रेट में मिल जाएंगे, लाइक काफ़ी चीप प्राइजेज में मिल जाएंगे और वो भी अच्छे ब्रांड के। सो गाइस, अभी मैं आप सबके साथ शेयर करूँगी इस वीडियो में मेकअप प्रोडक्ट्स भी। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। Trying to get stuck in it. So guys, इस तरह के पैकेट में हमें रिसीव होते हैं हमारे प्रोडक्ट्स और ये हमें 10 से 15 दिन के अंदर रिसीव हो जाते हैं। सो फर्स्ट मैं आप सबके साथ शेयर कर रही हूँ अपनी बेडशीट, जो कि काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। तो गाइस, यहाँ पर ये जो पिक्चर मेंशन है, क्योंकि इस कलर की मेरी बेडशीट है, जैसे निकाल जैसे मैं दिखा रही हूँ, हैं दो पिलो कवर, वन बेडशीट और ब्लैंकेट का कवर। मेरे पास ऐसी बेडशीट नहीं है जिसके साथ ब्लैंकेट का भी कवर आए और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं, लाइक पूरी से मैचिंग है। तो गाइस, जब मैंने इसे मंगाया था, ऑर्डर किया था, मुझे ये टेंशन थी कि इसका कपड़ा वैसा ना हो जो बिल्कुल भी हमारे स्किन के लिए अच्छा नहीं रहता। कौन सा कपड़ा है मुझे याद नहीं आ रहा, अगर आपको कोई आइडिया हो तो मुझे कमेंट्स करके बताना। सो मुझे टेंशन थी कि अगर उस तरह का निकल गया तो मेरे तो किसी काम की नहीं रहेगी, पैसे खराब हो जाएंगे। बट ये कॉटन में है, 100% कॉटन में है और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। जो इसका कलर है, हर चीज़ इसकी काफ़ी ज़्यादा क्यूट है। अरे, हम बात करेंगे पिलोज के कवर की। सो गाइस, बिग साइज पिलोज के कवर हैं ये और कुछ इस तरह के डिज़ाइन में है। मटेरियल की तो मैंने आपको बता ही दिया, ये 100% कॉटन है। सो गाइस, कुछ इस तरह से है। ब्लैंकेट का कवर, बिकॉज इसमें चेन लगी हुई है ब्लैंकेट डालने के लिए। सो गाइस, यहाँ पर आपको इसमें एक चेन मिल जाएगी और ये क्वालिटी वाइज बेडशीट काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस, यहाँ पर इसमें आपको एक चेन मिल जाएगी जिसके अंदर आप डाल सकते हो इसमें अपना ब्लैंकेट। सो गाइस, ये कुछ इस तरीके से है, लाइक पता नहीं मैं अच्छे से दिखा पा भी रही हूँ या नहीं पा रही। सो गाइस, ब्लैंकेट, सो इसमें नीचे बेबी पिंक कलर है, ऊपर स्काई ब्लू कलर है, देन इसके बाद डार्क ब्लू कलर है और इस पर क्या बना हुआ है, इस पर फिटिंग हुई है। सो ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट है, लाइक ये तीनों ही कलर मुझे काफ़ी अच्छे लगते हैं। सो गाइस, ये तो था ब्लैंकेट का कवर। सो अब बारी आती है बेडशीट की। तो और अच्छी लगी कि मेरा किंग साइज बेड है, उसके बावजूद लाइक ये फुल साइज से भी ज़्यादा है, किंग साइज से भी ज़्यादा है इसका, लाइक जो भी इसकी लेंथ एंड विड्थ है वो उससे भी ज़्यादा है कि मेरे बेड से ये करीबन इतनी नीचे जा रही है इतनी। सो गाइस, ये कुछ इस तरह से है और ये मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो सेम है यहाँ पर ये जो बेडशीट है, इसे अगेन काफ़ी क्यूट है। आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसी लगी और अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हो तो बाइक लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। तो नेक्स्ट मैंने यहाँ पर ली है एक ब्रालेट। सो गाइस, ये मुझे कलर वाइज काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही थी और मुझे लेने का मेरा काफ़ी ज़्यादा मन था, लाइक लेस ब्रालेट है ये और गाइस जो इसका कलर है वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रहा है। आप मुझे कमेंट्स करके बताना कि आपको कैसा लगा। सो गाइस, इसे मैंने क्या सोच के मंगाया है वो मैं आपको बताती हूँ। क्वालिटी वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगी। मैंने क्या सोच के मंगाया है कि इसे सिंपली मैं किसी साड़ी के साथ पेयर करूँ एज अ ब्लाउज, तो ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लगेगी बिकॉज ये फिटिंग वाइज काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। सो गाइस, सी है ब्रालेट और ये इसका जो डिज़ाइन है ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अगेन, मटेरियल इसका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। गाइस, अगर आप ब्रालेट देख के मंगाने की सोच रहे हो तो प्लीज़ एक बार साइज़ चार्ट ज़रूर चेक कर लेना, बिकॉज अगर आपका 34 साइज़ है तो हो सकता है वहाँ पर साइज़ चार्ट में डिफरेंट मेंशन हो कि उनके साइज़ के अकॉर्डिंग डिफरेंट हो, तो ऐसे आपके पैसे खर्च नहीं होंगे, बर्बाद नहीं होंगे। तो एक बार साइज़ चार्ट ज़रूर चेक कर लेना। गाइस, बैक पे से कुछ इस तरह से है। देन इसके बाद बात करें इसके कप्स की, तो कुछ इस तरीके से है कि लाइक जैसे होता है यहाँ पर आपको एक स्ट्रिचिंग दिख रही होगी कि ऐसे इससे स्ट्रिच कर रखा है कि इधर उधर ना जाए, तो एक चीज़ मुझे काफ़ी अच्छी लगी। सो गाइस, ये है मेरी ब्रालेट और ये मुझे सीरियसली काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही थी। तो गाइस, अब बारी आती है मेकअप प्रोडक्ट्स की। तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ कि आपको बैंगवुड पे काफ़ी ज़्यादा चीप प्राइजेस में मिल जाएंगे मेकअप प्रोडक्ट। तो मैंने यहाँ पर मंगाया है पोकलियो फ्रेस का ये पैलेट एंड इसमें मेरी शेड है 01। तो गाइस, ये हाइलाइटर, ब्लश एंड हाइलाइटर पैलेट है, तो ये कुछ इस तरीके से आता है और इसके अच्छी से इस बैक पे इसकी मैंशन है शेड कौन सी है,
किस ब्रांड का है और इसमें हमें क्या क्या रिसीव हो रहा है वो सब। सो गाइज यहाँ से ओपन करने के बाद ये है हमारा ब्लश एंड हाईलाइटर पैलेट। सो इसमें हमें दो हाईलाइटर की शेड मिल रही है, एक पिंक कलर में है, यहाँ पर ये गोल्डन कलर में है और ब्लश है कोरल कलर में। सो इनके स्वॉचेस मैं आप सबके साथ शेयर कर देती हूँ। सो गाइज ये काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, लाइक मैंने पोकलियो के काफ़ी अच्छे अच्छे प्रोडक्ट्स यूज़ कर रखे हैं, मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं। देन इसके बाद जो पिंक हाईलाइटर है बॉम्ब लग रहा है गाइज ये। गाइज नेक्स्ट है मेरे दो पैलेट्स और इनके साथ लाइक इनके पीछे की जो स्टोरी वो मैं आपको बता देती हूँ। इनके साथ कुछ हादसा हो गया बेचारों के साथ, बट मैंने इन्हें संभाल के रखा है कि मुझे इसकी क्वालिटी बतानी है कि ये कितने अच्छे हैं। तो गाइज हुआ क्या था पहले मैं वो बता देती हूँ। मेरे भाई का भी कुछ पार्सल आने वाला था, ठीक है, उस टाइम उसे लगा ये उसका है बिकॉज उसने मेरे नाम पे ही मंगाया था। और उसने किस तरीके से इसे खोला था, हम छीन रहे थे एक दूसरे से और ये कुछ इस तरीके से जाके गिरे थे जिसमें ये तो बेचारा पूरा मरते मरते बचा है और ये थोड़ा सा बच गया है। सो गाइस फर्स्ट मैं आप सबके साथ शेयर करूंगी ये वाला पैलेट, मिस रोज का प्रोफेशनल मेकअप और अल्टीमेट इसमें 6 कलर्स हैं। तो ये ग्लो किट है गाइस और इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन पीछे है, लाइक आपको पैकेजिंग से दिख रहा होगा, कहाँ से दिख रहा है 300-400 का होगा, काफ़ी ज़्यादा मुझे अच्छा लग रहा था और उस टाइम आई थिंक सेल चल रही थी तो मैंने लिया था। सो गाइस मिस रोज ब्रांड का है, यहाँ पर अल्टीमेट 6 कलर्स लिखा हुआ है। सो गाइस यहाँ से आपको ये दो चीज़ें ब्लैंक दिख रही होगी तो आपको पता लग गया होगा कि क्या हादसा हुआ था इसके साथ। तो गाइस यहाँ पर इसमें मुझे 6 कलर्स मिले थे जो कि अभी मेरे सिर्फ 4 बचे हुए हैं, बट ठीक है मैंने इसे संभाल के रख लिया कि मेरे काम तो आएगा एटलीस्ट। सो गाइस अब मैं आपको बता देती हूँ कि इसमें से कौन कौन सी शेड्स कैसी है, लाइक इनकी एक बार ट्राई दे देती हूँ मैं आपको। सो गाइस फॉरएवर यंग शेड मैं ट्राई कर रही हूँ जो कि रोज गोल्ड टाइप में है, अगेन बॉम्ब है ये। सो गाइस ये है इसकी फॉरएवर यंग शेड। देन इसके बाद है डे ड्रीम शेड, सो गाइस ये जो शेड है ये नाइट टाइम में काफी ज्यादा अच्छी लगेगी और आजकल मुझे हाइलाइटर लगाना काफ़ी ज़्यादा पसंद है। सो गाइज इसके बाद नेक्स्ट शेड है इसकी फॉरएवर लिट। तो गाइज ये थोड़ा सा लाइक वाइट टोन में है, सिल्वर टोन में है, नहीं गाइज ये थोड़ा सा पर्पलिश टोन में है, तो अगर आप कुछ इस तरीके का आउटफिट पहनोगे तो काफ़ी अच्छी लगेगी। सो ये है लास्ट शेड जो कि है ग्लो गेटर। सो गाइज अगेन ये काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही है और मेरा कैमरा ऑफ होने वाला है। सो गाइज ये है मेरा फर्स्ट पैलेट और अकॉर्डिंग टू प्राइस काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लाइक आप इसकी शेड्स देखिए। सो गाइज अब रह गया है लास्ट पैलेट और इसके साथ तो बहुत बुरी बनी थी, सो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सो गाइज अगेन ये अल्टीमेट ग्लो पैलेट है, इसमें भी 6 शेड्स हैं। सो गाइज इसके साथ क्या बुरी बनी थी वो मैं आप बता देती हूँ। तो गाइज यहाँ पर ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक मिरर लगा हुआ था जो कि पूरा टूट गया है, यहाँ पर इसके मिरर था बट स्टिल मैं इसे यूज़ तो कर ही सकती हूँ। सो गाइज अगेन इसमें इसकी 6 शेड्स थी और यहाँ पर 3 शेड ही बची हैं इसकी, इसमें इसकी 3 शेड गायब हो गई है तो मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था बट। सो गाइज फर्स्ट में यूज़ कर रही हूँ वाइट सैंड शेड, देन इसके बाद है एम्बर गोल्ड शेड, ये है हॉट सैंड शेड। सो गाइज इसमें मुझे ये वाली शेड काफ़ी ज़्यादा अच्छी लग रही है। सो गाइज ये थे मेरे सारे प्रोडक्ट्स जो कि मैंने बैंगूट से मंगाए थे और अगर आपको यहाँ पर कुछ भी पसंद आता है तो हर चीज़ की बाइंग लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, चेक कर लेना। और गाइज वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। सो गाइज मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में, बाय, लव यू।